स्पर्श हो रहा है, आज अष्टमी का पूजा है। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं पूजा में, नहा धो के रेडी हो गए। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गया, मतलब ड्रेस लेके, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल चलिए पूजा मंडप में, लेट हो रहा है मेरे लिए, सब कोई इंतज़ार कर रहा है। मिष्टिटा आर नामी छेन ए नैन आलता सीतुर दिए ए नैन दक्षिणा मालागुलो एने चीज। यहाँ नवघट का पूजा हो गया है, नित्य पूजा जो है हो गया है, नारंग का सेवा हो गया है। अभी भोग रेडी हो रहा है, क्योंकि तिथि बहुत मतलब कम टाइम है, तो हड़बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि आज भोग में बहुत कुछ बनेगा। दो बार भोग होगा और दो बार बलि होगा, तो डॉली दी को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ये मेरा हस्बैंड को देखिए, हाय कर दो। पंडित जी को देखिए, जय माता दुर्गा। तो भोग में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि आज दो मतलब दो प्रोस्तों में, हम लोग बंगाली में बोलते हैं कि भोग बनेगा। पहला तो अष्टमी का भोग जो खिचड़ी भोग होगा, और सेकंड संधि पूजा का भोग जो आपका फ्राइड राइस पूरी ये सब बनेगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि भोग लगा देने के लिए, हम बोले कि नहीं, थोड़ा सा एक घंटा टाइम दीजिए, उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि आइटम बहुत है। तो ये मेरा लुक है अष्टमी का, कुछ और सोच के रखे थे, लेकिन हुआ क्या कि मैंने जो साड़ी सिलेक्ट करके मैं रखी थी, वो उसका मतलब ऐसे करके उसका कटिंग कर दिया टेलर मास्टर कि साड़ी छोटा हो गया। तो मैं जो सोच के रखी थी, माइंड मेकअप होता है ना कि ये पहन के मैं पूजा करूँगी, तो मूड ख़राब हो गया सुबह सुबह, उसके बाद ये साड़ी निकाल के पहनना पड़ा। ये भी न्यू साड़ी है, पूजा का ही है, बट मैं कुछ और सोची थी। एनीवेज ये ट्रेजेडी मेरे साथ सुबह सुबह हो गया, कोई बात नहीं। अभी पूजा में क्या क्या होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि महाअष्टमी का पूजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो सारा पूजा इंपॉर्टेंट है, बट ये स्पेशली हस्बैंड के लिए व्रत रखता है सब औरत, और हस्बैंड के लिए ये अष्टमी का पूजा होता है। तो मन से मैं प्रे करती हूँ ये अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, और चलिए हम लोग पूजा को एंजॉय करते हैं। ठाकुर मशाई घूम के माँ का भोग बन रहा है यहाँ। और देखिए सुबह सुबह एकदम चौड़ाई पाखी हम लोग बोलते हैं, ये दो जोड़ा घूम रहा है भोग वाला रूम में। Thank you.
माँ का भोग बलि वगैरह सब हो गया है। श्रेष्ठा का तबीयत खराब हो गया, दो दिन पहले स्पर्श का खराब हुआ था, अभी श्रेष्ठा का खराब हुआ है। बहुत गला में पेन है, देखिए चेहरे सुबह सुबह अभी कितना टाइम हुआ, 4:30 बज गए। माँ का भोग लग गया है और तानिया, श्वेता सबको ही आ गया है, तो राजू जी भी आ गए हैं सुबह सुबह। और अभी आरती होगा, अंजलि होगा अष्टमी का, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग टी ब्रेक लेके फिर संधि पूजा में लग जाएंगे, क्योंकि संधि पूजा का एक स्पेशल तिथि होता है, उसी तिथि के अंदर हम लोगों को पूजा करना होगा। एक टाइम रहता है, कत मिनट का टाइम तक है, 48 मिनट, अच्छा तो 48 मिनट्स का एक टाइम रहता है, उसी में हम लोगों का वो पूजा निपटाना होगा। तो सबसे मेन मतलब वही है, मतलब वो टाइम में सब कुछ होना है, बलि है, भोग निवेदन, अंजलि, सब कुछ करना होगा। तो चलिए, हम लोग ऑन टाइम है, टाइम हम लोग का मतलब हाथ में है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छा से पूजा अष्टमी का कर लिए हैं। कि तो चलिए साथ में रहिए और महाअष्टमी का पूजा में पार्टिसिपेट कीजिए। नमो नित्याय दुर्जय धत्रय नमो नमः नमो नमः जस्नावै जस्नावै चन्द्ररूपिन्नै शुखावै शुखावै सततं नमो तं नमो एष पुष्पाञ्जलि रिङ्गो रिङ्गो दुर्गाय नमो जय दुर्गा माय की जय दुर्गा माय की जय। समाप्त हो गया है, अभी संधि पूजा के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तिथि जो है उसी में हम लोगों को संधि पूजा करना होगा। मेरा माइक कहाँ है, अच्छा, तो उसी तिथि के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम जैसे बोले थे टी ब्रेक होगा, थोड़ा सा पानी वगैरह सब पियेंगे, अभी अंधेरा ही है, लाइट नहीं निकला है पूरा पूरी। तो चलिए आप लोग साथ रहिए, माँ दुर्गा सबका भला करे, सब पे कृपा बनाए रखे, यही कामना करती हूँ। आगे बोली तारपर प्रदीप जलानो होबे। তুমি তো দাঁড়িয়ে গেলে। হ্যাঁ। হাঁটাতে হবে তো। বলি সব পরে দিতে হবে, আগে বলি তারপর আরতি, এটা আরতির প্রদীপ। হ্যাঁ। তার আগে বলি আর ভোগ নিবেদন হয়ে যাবে। না না না। पूजा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और भोग में माँ का जो भोग है वो मैं लाके ऑलरेडी रख चुकी हूँ पूजा मंडप में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, उसमें इतना कुछ नहीं हो पाता है, पहले से सब रेडी करके रखना पड़ता है। तो एकदम एक्यूरेट जो टाइम है उस टाइम पे हम लोग पूजा में बैठेंगे, सबको इंतज़ार कर रहे, बस वो संदिग्धन आएगा और हम लोग पूजा में बैठ जाएंगे। 108 जो लोटस होता है जो हस्बैंड चढ़ाएंगे वो अपना खून से चढ़ाते हैं, तो सुबह सुबह कंपाउंडर जो है चंदन जी उनको बुलाया गया है। तो ये रिचुअल्स मेरा ससुर जी करते थे, अब मेरा हस्बैंड करते हैं, तो उसी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे। ये जो ब्लड है इसमें रेड कलर का जो चंदन होता है वो चंदन मिक्स करके उसमें पौधे फूल देके फिर माँ को अर्पित किया जाएगा। तो अभी टाइम थोड़ा बहुत बाकी है, हम लोग बिल्कुल रेडी है, सब कुछ का हम लोग के मतलब रेडी है, एक के बाद एक टाइम एज़ पर टाइम हम लोग करेंगे।
तो आइए शांति पूजा में सब कोई शामिल होते हैं। समाप्त हुआ, सब कुछ परफेक्टली हुआ है। यही टेंशन में थे कि इतना थोड़ा सा टाइम में इतना कुछ हो पाएगा कि नहीं, लेकिन माँ पूजा लेती है, हम लोग करने वाले हैं, करने वाली तो सब कुछ माँ है। ठीक टाइम पे माँ सब कुछ करवा दी। अब हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और माँ का प्रसाद खा के फिर देखते हैं, क्योंकि स्पर्श अभी भी ऊपर में सो रहा है। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मैं नहीं जानती, बहुत देर नहीं देखा उसको। तो चलिए कुछ देर बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। बहुत लेट बाद मैं फिर अभी आई हूँ, क्योंकि रात भर पूजा के बाद थोड़ा सा सोए, उसके बाद रेडी हुए प्रॉपरली, क्योंकि आज महाअष्टमी है और उसी का भोग का सब प्रिपरेशन चल रहा है। तो लेट हो गया मेरा आने में। हस्बैंड बोला था काफ़ी सब आके भोग लेके भी गए, खा के भी गए, मुझे पता ही नहीं था, मैं रेडी हो रही थी। एनीवेज ये है मेरा अष्टमी का लुक। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और यही मट्टी का भार में हम लोग हर बार भोग वितरण करते हैं, क्योंकि इसमें एकदम ऑथेंटिक बंगाली जो वाइब्स है वो मिलता है। मट्टी का भार हम लोग स्पेशली बनवाते हैं और इसमें खिचड़ी और सब्जी पैक करके सबको बांटते हैं। मम्मी पापा नानी सब आ गए हैं और अभी अभी पहुंचे हैं। हाय कर दीजिए सब। नानी को बोलिए, नानी को हाय। बाबा हाय करो दाओ। तो हम लोग सब दुर्गा दालान में बैठे, मम्मी जी भी। मम्मी जी का लुक देखिए आज का और ऊपर भी जाना है क्योंकि बहुत सारा मेहमान एक साथ आ गए हैं। तो थोड़ा सा मम्मी लोग को अटेंड करके फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी। भोग बांटते बांटते भोग मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, फिर से हम लोगों को भोग चढ़ाना पड़ा। तो यहाँ डॉली दी अपना भोग चढ़ा रही है, फिर से थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी भी टाइम हुआ नहीं, टाइम से पहले भोग ख़त्म हो गया है। अच्छा बात है ये, लेकिन किसी को खाली हाथ हम लोग लौटाते नहीं है। देखिए यहाँ डॉली दी फिर से स्टार्ट कर गई। डॉली दी काम चालू है ना? बस। और शंकर भैया यहाँ सब्जी बना रहा है क्या? शंकर भैया आपको जुड़ना पड़ा देखे। तो यही सब है, तो अच्छा लगता है, मजा आता है ये सब में। तो चल न्यूज से आए हैं हम लोगों के दोस्त रितेश। नमस्ते। मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो रितेश। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ दुर्गा आपकी तमाम मनोकामना पूरी करे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अभी न्यूज चैनल में इंटरव्यू लेने के लिए और कवरेज करने के लिए रितेश आए हैं, तो साथ में बने रहिए। क्या मतलब
शानू इधर क्या अच्छे बैर जेंस पार्टी आयोजन है लगभग यहाँ पे 100 सालों से होता है। पारंपरिक विधि विवाद के अनुसार सारे विधि विधान से पूजा अर्चना को किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे बलि देने के लिए बांग्लादेश में हो रहा था, अभी 43 इयर्स से यहाँ हो रहा है। मेरा दादा ससुर के टाइम से नरेश चंद्र भट्टाचार्य जो थे उनके टाइम से शुरू हुआ, फिर मेरा ससुर जी बन किए दिलीप कुमार भट्टाचार्य, अब जौरेंद्र भट्टाचार्य मेरा हस्बैंड ये कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर मेरा बेटा करेगा शायद। हैप्पी नवरात्र। ये बताइए कि और जो बलि जो पड़ता है किस किस चीज़ों पर बलि पड़ता है? हम लोग सब्जी का और फल का ही बलि करते हैं, जैसे चाल कुमरा हो गया, फिर केतारी हो गया और बनाना का बलि होता है। बहुत अच्छा, हर साल इधर आने के लिए हम लोग को एकदम मन। सिलीगुड़ी में पूजा बढ़िया होता है, वहाँ का पूजा देखा आपने? हाँ, एक बार देखा था जब बीच में 2 साल हमारे यहाँ पूजा नहीं हुआ था किसी के डेथ हो जाने के वजह से, पर 2 साल बाद माँ हमारे घर आई है, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना खुशी हो रहा है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। पूरे पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? विधि विधान से पूजा हो रही है। एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ है, अब सारा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मम्मी जी बोलिए पूजा कैसे करके, सब ठीक से हो रहा है? सब ठीक से हो रहा है, ऑन टाइम ऑन टाइम, और इस पर हम सब कुछ छोड़ दिए। भोग का महाअष्टमी, हाँ महाअष्टमी का भोग है, बहुत सारा भोग बन रहा है, लगभग 400 आदमी पे भोग बट भी चुका है और अभी मतलब और बन रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ये चलेगा। अरे मैं चले दे ले लो कर रहे थे। दुलाल बोला भाभी एक शॉट ले लीजिए मेरा, एक शॉट नहीं है, ये शुरू से है, कोई प्रूफ नहीं है इसका, प्रूफ यहां देखिए दे रहे हैं। हां बोलिए बोलिए, उसी का कुछ नहीं है, जो लास्ट में है उसी को सब कुछ नहीं। आज लेकिन हो गया, गजब हो गया डॉली जी, हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन यही हो गया हम लोग, डॉली वासी इज्जत हो जाती है। जहां 400 क्रॉस कर गया, आज ये जाने वाले थे 9 बजे घर, जहां 400 क्रॉस करने लगा बोला ना गड़बड़ा जाएगा, फिर बाबा शुरू करेगा। शाम को तैयार होके नीचे आ गए हैं, बिल्कुल भी मेकअप करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि थके हुए हैं, और एक न्यू साड़ी है वो पहन के मैं आ गई हूँ आरती के लिए। अभी घर पे ही रहना है, कोई बाहर का प्लान्स वगैरह हम लोगों का कुछ भी नहीं है। दिन भर बहुत ज़्यादा थकन हो गया, बहुत आदमी आए थे भोग खाने के लिए, तो न्यूज़ चैनल वाला वगैरह बहुत कुछ हुआ। बोलो क्या बोलो, तुम घूम रहे हो? बोलो वैसे ही घूम रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए। अच्छा, अब कुछ घुमाए जा रहे हैं, हम भी घुमाए जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आरती में साथ रहते हैं।
काफी लेट हो गया था, मम्मी पापा भी आए थे, गपशप करने लग गए थे, इसीलिए कल वीडियो को एंड नहीं कर पाई। आज है महानवमी, तो महानवमी का पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा नहीं करके मैं यही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। टाटा। বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়া।